मेडिकल सुविधाओं की विश्व राजधानी बनने लगी है ट्राइसिटी। हर वर्ष भारी संख्या में विदेशी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं भारत। डॉक्टर महेश्वरी, जैसे हमारा पारस हॉस्पिटल पंचकुला की तरफ से हमारी मैनेजमेंट ने भी मिस्टर आशीष ने बताया कि आज भारत या इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए नंबर वन कंट्री माना जा रहा है, लेकिन स्टिल चंडीगढ़ बाकी सिटीज़ से, चाहे वो हैदराबाद हैं, पूना है, बॉम्बे हैं, दिल्ली है, उससे हम काफ़ी पीछे हैं। अगर आप शेयर की बात करें तो आज हम सिर्फ 1% पेशेंट्स हमारे मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में आ रहे हैं, बाकी सब कंट्रीज से वो सिर्फ चंडीगढ़ की तरफ पहुंच पा रहे हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी एक बहुत बड़ा मकसद हमारा यही था कि आज इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, आज हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स, PGI, कैंसर हॉस्पिटल, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होने के बावजूद, अच्छे डॉक्टर्स और टीम होने के बावजूद, हम कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म में पिछड़े हुए हैं। और उसका प्रमोशन करने के लिए, एक अपने एक बाकी दुनिया को बताने के लिए कि हाँ, हमारे पास चंडीगढ़ में भी ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत कम कॉस्ट में, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, एक सुंदर शहर के साथ, तो डेफिनेटली चंडीगढ़ को, पंचकुला को हम एक बहुत बड़ा मेडिकल डेस्टिनेशन बना सकते हैं। पारस हॉस्पिटल अगर पंचकुला की बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट, जैसे सर ने बताया, हमारे पास डॉक्टर संजय हैं जो कॉकलियर इम्प्लांट्स वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रीज अफ्रीका से, केनिया से, उनके पास डॉक्टर के ऑस्पेशन आ रहे हैं। डॉक्टर विनोद जो ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, उनके पास काफ़ी पेशेंट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट है, गोटा बदलाना है या चूल्हा बदलाने के लिए आ रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट लिवर सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी, जिसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट भी हम लोग लाइसेंस लेंगे थोड़े समय में, और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए काफ़ी पेशेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, जैसे यमन से हमारे पेशेंट जो आज आए हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, ये सब पेशेंट्स आ रहे हैं पारस हॉस्पिटल। माय नेम इज एडेल, आई एम फ्रॉम यमन। आई केम टू हियर 1 year ago, and I met Dr. Gaurav. I admitted with him, and that time I was not able to walk, and I got his treatment, and it was amazing. And now I am feeling very better. About this city, when I came to here, I was shocked because I didn't know about it before. Some people, they don't know about Chandigarh and about their facilities, about their hospitals. But now we are going to share this experience to invite a lot of patients to come to here and get best treatment, better than any other places. Because that's what I feel. Because my experience, I should to share it with all our people in Yemen and in Middle East also. This is my experience.